हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं लड़कों में होने वाले स्किन इन्फेक्शन के बारे में। ये छोटे लड़कों में बहुत कॉमनली देखा जाता है, इसको बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस भी बोला जाता है। तो लड़कों में जो पेनिस होता है, जो उनका मेन ऑर्गन है जहाँ से वो यूरिन पास करते हैं, उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है जिसको फोर स्किन बोला जाता है। 5 साल तक के बच्चों में फोर स्किन पे इन्फेक्शन देखा जाना बहुत ही कॉमन बात है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि जिन पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता उनको भी अवेयरनेस हो सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनकी फोर स्किन जो है वो पेनिस के साथ बिल्कुल लगी होती है, वो ओपन नहीं हुई होती है, और हम भी एज पेरेंट्स उसको ओपन करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप फोर स्किन को कुछ मत कीजिए, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करेंगे ये अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगी, इट्स पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। और कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे स्किन को खोलना शुरू कीजिए जब बच्चे छोटे ही होते हैं, इससे क्या होगा कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस दो थॉट प्रोसेसेस के बीच में ऐसा हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। ये इन्फेक्शन किस तरीके का होता है मैं आपको बताती हूँ। टिपिकली आप देखोगे जो फोरस्किन है वो एकदम से फूल गई है या फिर रेड हो गई है, या जब आप उसे टच कर रहे हो तो बच्चे को बहुत पेन हो रहा है, या फिर उसमें से पस निकल रही है, बहुत स्मेली कुछ लिक्विड निकल रहा है, और अगर कुछ एक्सट्रीम केसेस हो जाएं तो फिर यूरिन पे भी असर पड़ सकता है। बट जनरली क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो बाहर की स्किन का है वहाँ का होता है, और अगर हम इसे टाइम पे रोक दें तो ये अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। इसके होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे कॉमन रीजन होता है हाइजीन। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे की फोरस्किन नहीं खुली है, तो कई बार क्या होता है जो गंद बैक्टीरिया वगैरह होता है वो बिल्कुल छोटे से होल से स्किन के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि स्किन नहीं खुली है तो जो अंदर का ऑर्गन है उसको हम प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और स्किन में इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरा कॉमन रीजन होता है कि अराउंड 2-2.5 साल के बाद हम बच्चों को इंडिपेंडेंट टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, और यूरिन पास करना एक ऐसी चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अब खुद ही करने लग जाएं, स्पेशली 3 से 5 साल के बच्चे जो स्कूल वगैरह जाना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम खुद बच्चों का ये जो पार्ट है उसको ठीक से नहीं धोते, बच्चों पे छोड़ देते हैं कि आप इसे धो लीजिए, और बच्चे इसको ठीक तरीके से धोते नहीं हैं, यूरिन लगा रह जाता है जिसकी वजह से स्किन का इन्फेक्शन होता है। तीसरा होता है बच्चे ने अपने गंदे हाथ लगा लिए, बच्चों को कभी कभी खुजली होती है, बच्चों को एक इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी बॉडी को टच करें, तो उस केस में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और एक रीजन होता है कि बच्चे जैसे खुला बैठे हैं, उन्होंने पैंट नहीं पहनी है, या रात को काफी बच्चे जब सोते हैं तो उनको बिना पैंट के सोने का आदत होता है, तो कोई इंसेक्ट ने या मस्कीटो ने उस जगह पे आके बाइट कर लिया और वो जो स्टिंग है वो स्किन के अंदर चला गया और उसने ये इन्फेक्शन कॉज कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। एक रीजन और ये भी होता है कि कुछ पेरेंट्स इसको बहुत ही हार्ड तरीके से पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। काफी केसेस में आप देखोगे जो मसाज वाली आंटीज या दाइमाज आती हैं वो शुरू से ही आपको बोलेंगी कि बच्चे की स्किन को पुल डाउन अभी से करना शुरू कर दो, छोटे छोटे बच्चों की। तो कभी आपने ये हार्ड कर लिया, आपको नहीं आया करना, तो उस केस में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमने बात करी कि ये क्यों होता है, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आप ये नोटिस करें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर ही इस कंडीशन को देख के बताएंगे कि क्या ये बेलेनाइटिस ही है या ये कोई और प्रॉब्लम है। आप उस जगह पे कुछ भी होम रेमेडी करने की कोशिश ना करें, घर का कुछ भी उस पे लगाने की कोशिश ना करें कि बच्चे को आराम मिल जाएगा। टिपिकली इस कंडीशन में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ही बच्चे ठीक होते हैं, एंड द की इज कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप इस इन्फेक्शन को स्किन से मेन ऑर्गन में ट्रांसफर होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ये मेन ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। टिपिकली अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये बेलेनाइटिस का अर्ली स्टेज है तो एंटीबायोटिक का कोर्स और साथ में कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो आपको ऊपर से लगाना होता है उसके थ्रू ये 5 to 7 days में हील हो जाता है। आप जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आप देखेंगे बच्चे को पेन में आराम मिलेगा। आप ये भी देखेंगे कि दवाई स्टार्ट करने के बाद एकदम से कोई लिक्विड सिक्रीशन हो, वो पस भी हो सकती है, कोई वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो वो बेसिकली जो इन्फेक्शन स्किन के अंदर फंसा हुआ है वो अब एंटीबायोटिक की वजह से बाहर आ रहा है, और हो सकता है एंटीबायोटिक नेक्स्ट
नेक्स्ट इन्फेक्शन को ना भी बनने दे। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है जो टिपिकली 1 से 2 दिन में ही दिखना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। अगर आपको 2 से 3 दिन में दवाइयों से इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत अगेन पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये इन्फेक्शन अंदर से नहीं निकलता देन एक्सट्रीम केसेस में, ये बहुत रेयर होता है, बट तब डॉक्टर्स को एक कट लगाना पड़ता है और फिर सारा का सारा जो इन्फेक्शन है उसको बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उसको अंदर नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब बात करते हैं एज पेरेंट्स इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये एक छोटे बेबी को भी हो सकती है, ये 5 साल के बच्चे को भी हो सकती है और एक बड़े बॉय को भी हो सकती है अगर अभी तक उनकी जो फोरस्किन है वो वापस पुल बैक नहीं हुई है। तो कुछ चीज़ें करना है। नंबर 1, हमें बच्चों को हाइजीन सिखाना है। हाइजीन के 2 पार्ट होते हैं। जब भी वो यूरिन पास करें उसके बाद वो पानी से भी अपने पूरे एरिया को अच्छे तरीके से धोएं, जैसे हम गर्ल्स के लिए भी करते हैं, एंड जब भी वो नहाएं तब सोप से अच्छे तरीके से उस एरिया को जरूर धोएं। दैट इज नंबर 1। रोज नहाना है, रोज उस एरिया को सोप से एक बार जरूर क्लीन करना है और आफ्टर एवरी यूरिन वाटर से क्लीन करके उसको एयर ड्राई होने के बाद जो भी पैंट या जो बच्चा पहन रहा है क्लीन चीज वो आपको बच्चे को पहनाना है। बहुत ज्यादा बच्चों को अंडरवेयर में भी मत रखिए, उनको थोड़ा फ्री टाइम भी दीजिए। उसकी वजह से भी बच्चों को काफी स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मेक श्योर कीजिए कि बच्चों को आप फ्रेश क्लोथ्स ही हर रोज पहनाएं। इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि अगर बहुत गर्मी है तो में 2 से 3 बार आप उनके पैंट्स भी चेंज करें। नंबर 2, एज पेरेंट्स चाहे आप बच्चों को इंडिपेंडेंट बना भी रहे हो बट कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं 5 से 6 साल तक के हैं तब एटलीस्ट बाथ के टाइम पे या यूरिन के टाइम पे आप 1-2 बार जरूर अपना हाथ लगा के चेक करें कि बच्चों को कहीं पेन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखिए, बच्चे जो हैं बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसे होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये पेन से शुरू होती है, स्वेलिंग से शुरू होती है और वो आपको ये बात बताएंगे ही नहीं। कई बार डर से नहीं बताते, कई बार उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। एंड जैसे मैंने बताया, इस प्रॉब्लम में द की सॉल्यूशन इज टाइमिंग। आपको जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट सजेशन है फोरस्किन की जेंटल क्लीनिंग। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए, उनकी भी एडवाइस लीजिए कि आपको ये करना कैसे है, बिकॉज अगर आप ये गलत करते हैं तो बच्चे को डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वैसे टिपिकली ये बोला जाता है कि जब बच्चा नहा रहा है आपके हाथ में साबुन लगा हुआ है तो बहुत ही जेंटली जो बच्चे की स्किन है उसको बिल्कुल हल्का सा आप पुल बैक कीजिए, पीछे की तरफ कीजिए, बहुत ही हल्की तरह से, क्योंकि ब्लीडिंग भी हो जाती है अगर आप बहुत हार्ड कर रहे हैं तो आप उसे पीछे की तरफ खींचिए। तो उससे क्या होगा, जो सोप है वो अंदर जाएगा और अंदर जाके सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को किल कर देगा। और धीरे धीरे जब आप हल्के हाथ से ये करना शुरू कर देंगे तो वो जो स्किन है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट करेगी। बट मैं फिर से बोलूंगी कि ये है कि आप बहुत हल्के हाथ से बेबी सोप से जो बिल्कुल जेंटल होते हैं उस तरीके से आप इस एरिया की क्लीनिंग कीजिए। That's it guys, तो इस तरीके से आप फोरस्किन इन्फेक्शन बच्चों में प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और अगर हो जाए तो बिना घबराए उसे ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए और उसी तरीके से इसको ट्रीट कीजिए। फोरस्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज या कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो थोड़ी एक्सट्रीम होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ये सबसे कॉमन है, इसलिए आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट विद यू ताकि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम कभी भी फेस करें तो घबराए नहीं, आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। हमारा आईडी है मॉमकॉम इंडिया। थैंक यू, बाय बाय।